हे गाइस, माय नेम इज आदित एंड आई एम फ्रॉम lestackworld.com। और जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.lestackindia.com। आपको उसका यूआरएल यहाँ मिल जाएगा। आज का वीडियो मैं फिर से सऊदी अरेबिया पर बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी उस सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। पिछले एक दो दिन में हमने बहुत लोगों को ज्वाइन किया है, उन्होंने मैच किया है और वो अभी उन्होंने सऊदी अरेबिया का पैकेज खरीदा है शेयरिंग बेसिस पे। तो इसका मतलब ये है कि हमने दो लोगों को ज्वाइन किया है जिनको अकेले जाना था, जो अकेले थे, पर अब वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे मालदीव्स में रूम। गाइस, आपको भी अगर ऐसा कुछ चाहिए कि आप अकेले हो और आपको रूम, आपको शेयरिंग बेसिस पर पैकेज चाहिए, तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग चेक करेंगे कि कोई है उस पर्टिकुलर डेट पे जिसको ट्रैवल करना है, तो हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा देंगे। एक चीज़ और, ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास जो भी लोग आ रहे हैं फॉर सऊदी अरेबिया, उनका एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मुझे अलाउ करेंगे इमिग्रेशन पे, एयरपोर्ट पे। गाइस, आप लोग प्लीज़ ये चीज़ हमसे मत पूछिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं। आपके वीज़ा के बारे में, आपका वर्क वीज़ा है, आपका बिजनेस वीज़ा है या आपका जो भी वीज़ा है, उसके बारे में हम आपको कन्फर्मेशन नहीं दे सकते। और ये सिर्फ हम नहीं, आपको कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दे सकता। आपका जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा, उसमें आपके पास अगर एक कमान नहीं है तो आपको ट्रैवल करने देंगे या आपको सऊदी अरेबिया में एंटर होने देंगे या नहीं होने देंगे, ये आपको ही पता करना है। इस पे कंफर्मेशन आपको ही लेनी है। अगर आपको कोई और एजेंट इस पे कंफर्मेशन दे रहा है तो उस पे प्लीज़ आप भरोसा मत करो। अगर आप लोगों को किसी चीज़ पे डाउट है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एम्बेसी से पता कीजिए। एम्बेसी की ईमेल आईडीज़ आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आप इंस्टेड ऑफ आस्किंग एम्बेसी, अगर किसी एजेंट से पूछ रहे हो या किसी कंपनी से पूछ रहे हो, तो आपको कोई वैलिड आंसर नहीं मिलने वाला। और अगर आपको ही नहीं पता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई और कैसे बता सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ट्रैवल बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के करवा रहे हैं। देखिए, हमारा काम है टिकटिंग करना आपके लिए, ट्रैवल अरेंजमेंट्स करना आपके लिए, होटल अरेंजमेंट्स करना, ट्रांसफर अरेंज करना। अब आप मालदीव्स जाओगे तो आप जब एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तो उसके बाद हमारा बंदा खड़ा होगा जो कि आपको स्पीड बोट पर आपके रिजॉर्ट तक छोड़ेगा। होटल हमारी तरफ से बुक्ड होगा, उसमें मील्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको वापस जाना होगा तो आपको फिर से स्पीड बोट में बिठाएगा, आपको एयरपोर्ट तक छोड़ेगा और उसके बाद आप रियाद जाओगे। और अगर आपने क्वारंटीन पैकेजेस ले रखे हैं रियाद में या फिर आप सऊदी अरेबिया में किसी और सिटी में भी, तो आपको वहाँ पर भी असिस्टेंस मिलेगी। बट इमिग्रेशन में असिस्टेंस आपको कोई नहीं दे सकता। और हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे वैक्सीन अटेस्टेशन का क्या है। वैक्सीन अटेस्टेशन कंपलसरी है या नहीं है, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। पर किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सऊदी अरेबिया की, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आपको वैक्सीन अटेस्ट करवाना है। हाँ, ये है कि अगर आपके पास पूरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, सेकेंड डोज का फाइनल सर्टिफिकेशन, तो आप उसको सऊदी अरेबिया के त्वाकला ऐप में अपलोड कीजिए और आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा कि आप इम्यून हो या नहीं हो। गाइज, हमारा यहाँ पे मोटिव पैसे कमाना नहीं है। हमारा मोटिव है हर उस बंदे को हेल्प करना जिसके लिए अभी सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ये हम सिर्फ सऊदी अरेबिया वाले लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं या और भी कंट्रीज, हमें जापान की क्वेरीज भी आ रही हैं, हमें साउथ अफ्रीका की क्वेरीज भी आ रही हैं, हमें कीनिया की क्वेरीज भी आ रही हैं। सो हम उन सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए तो ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप हमारे ब्लॉग पर भी आ सकते हैं जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है www.lestackindia.com, तो आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर भी मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट टाइम फिर मैं कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। थैंक यू।